मोतियों की माला गुथाई कर रोजगार देने नाम पर 5,000 से अधिक महिलाओं से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने पार्टनरशिप में महिलाओं से ठगी की थी। पुलिस ने एक आरोपी को वाराणसी और दूसरे को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। उनसे एडवांस लिया आता था और मोती का माला बना के वापस करने में 3,500 रुपए देने का इनको वायदा किया गया था। कुछ लोग महिलाओं को शुरू में पैसा दिया गया, बाद में जब महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, 6,000 महिलाओं से ठगी हो गई, तो ये मास्टरमाइंड दोनों जो है भाग खड़े हुए। इनके द्वारा पूर्व में बीकानेर, हाजीपुर, जबलपुर में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ये लोग अभी वाराणसी में इस काम को दोबारा शुरू कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने तकनीकी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा इन दोनों मास्टरमाइंड को पकड़ा है। इनके पास से नई थार जीप 40 लाख में खरीदा, अपने एक 2 तल्ला बिल्डिंग गांव में बनाया, उसको जब्त किया जा रहा है। इनके द्वारा लाखों रुपए जो है उसके ज्वेलरात खरीदे गए, उसको जब्त किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। जो इनका गाड़ी जब्त किया गया है, घर जब्त किया गया है, पूरा जब्त किया गया है, उसको माननीय न्यायालय से नीलामी होने के बाद उनको पैसा वापस दिलाने की पूरी प्रक्रिया की जाए। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल। दुर्ग जिले में 4 माह पूर्व एक कंपनी यहां पे आई हुई थी, प्राइवेट लिमिटेड, जो यहां की कुछ महिलाओं को मोतियों का माला बनाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी करके उसका संचालक यहां से फरार हो चुका था। दुर्ग पुलिस उस मामले में छानबीन कर रही थी, तथ्य सबूत आरोपी के खिलाफ जुटा रहे थे। उसको लेकर आरोपी की जांच पड़ताल में एक सुराग मिला कि आरोपी यूपी वाराणसी में है। पुलिस दुर्ग पुलिस ने टीम के साथ वहां पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में भी कई राज्यों में मोती से माला बनाने का नाम पर लोगों से ठगी करता था। 2,500-2,500 रुपए रजिस्ट्रेशन करवाता था और लोगों को बोलता था कि जब आप मोती की माला को पूरा गूंथ के बना के ला लोगे तो आपको एक माला के 3,500 रुपए दिया जाएंगे।